डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूल। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज जा रहा हूँ मैं कोटीरसैन। कोटीरसैन जो है आज बैंक का काम है ताई जी का, तो साथ में जा रही है ताई जी। और सुबह के बज रहे अभी 8:30 और बैंक का जो टाइमिंग होता है खुलने का वो 10 बजे है, लेकिन यहाँ से लगभग जो है 15 किलोमीटर दूर कोटीरसैन है और वहाँ पे जो है ताई जी का अकाउंट बंद हो रखा है। बैंक वालों ने जो है एक लेटर भेजा था कि आप जो है आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट फोटो लेके बैंक में आइए और उसको सबमिट करके अपना जो खाता है उससे पुनः चालू करिए। तो घर से निकल चुके हैं हम और ताई जी तो लगभग नीचे वहाँ रोड तक पहुँच चुकी है और मैं अब जा रहा हूँ। और यहाँ से देखो वो रहा उधर नीचे रोड, वहाँ तक जो है मुझे जाना है। और इस टाइम जो है आसपास के क्षेत्र में बाघ का जो है काफ़ी खौफ हो रखा है और यहाँ पे जो है बाइक का जाना अलाउड है नहीं वैसे, लेकिन क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है। और बैंक वाले भी वहाँ लेटर पर लेटर भेज रहे हैं कि आप अपना जो खाता है उसे पुनः चालू कीजिए। और इससे पहले जो है ताई एक दिन यहाँ से जो है एक टैक्सी से गई थी, लेकिन वहाँ पे जो है उस दिन उनका जो सर्वर है वो काम नहीं कर रहा था। और आज जो है हम फिर दोबारा उस बैंक में जा रहे हैं, तो देखते हैं आज काम होता है कि नहीं होता है वहाँ पे। और बाकी अपने रिस्क पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो है गाड़ी प्रॉपर तरीके से मिलती नहीं है, और अगर यहाँ से जाने को मिल भी जाएगी तो वहाँ से जो है 15 किलोमीटर हमें वापस पैदल आना पड़ेगा। बाकी जो है रोड पर पहुँचने वाला हूँ और आज जो है मौसम काफ़ी क्लियर हो रखा है क्योंकि कल रात में यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और अभी मौसम देखिए बिल्कुल शानदार हो रखा है। और रोड पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये रही गाड़ी। अब जाने वाले हम कहाँ जाने वाले हैं? किले बैंक में। अच्छा बैंक पैसा धरी क्या बैंक में? खाता बंद है रही। अच्छा खाता खुलाना किले मेरा खाता बंद बंद है क्यों? पैसा नहीं अटैच है बंद है धारा नहीं वो बड़े धारा नहीं सी गाड़ा नहीं। अच्छा चलो आज बैंक को धाड़ कर दो फिर है ना। हाँ चलो तो ठीक है, बाइक को निकालते हैं बाहर और निकलते हैं आगे की तरफ। और लगभग घर से 6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और इस साइड जो है द्वारी गांव है और इधर ये रोड जा रही है गाड़ी पुल के लिए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है इतना एरिया जो है जो द्वारी और इसके बीच में गाड़ी पुल के बीच में इस एरिया को जो है डेंजर जोन में रखा गया है। बोल रहे हैं कि जो है यहाँ पे खतरा इस कदर है कि जो है आप बाइक से नहीं जा सकते हैं। आज बैंक का काम था इसलिए हम जो है निकल रखे हैं। और बाकी खैर दो जनों में तो खैर डर किस बात की। और हाँ कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे 3 तेंदुए देखने को मिले थे और सुनने में आया था कि उसमें एक मादा और 2 उसके शावक थे और बाकी जो शावक थे वो भी काफ़ी बड़े थे और काफ़ी खतरनाक एरिया है। देखिए आगे पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। बोल डर तो नहीं लगा? डर तो नहीं लगवा बाबा, पर डर हुए ही रही। परेशान हो रही पागल कर रहे, परेशान हम बहुत ज्यादा परेशान करो। क्या कारण इन्हें उन्हें जाने से जान तो छे जनवर बहुत बढ़िया था, पर गड़वाल बहुत बढ़िया मर ये रहे तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या कारण यू बागुल जीन हराम कर रहा, जीन हराम कर रहा, बहुत परेशान कर रहा हूं बागुल। हम तो निकलने भी परेशान हो रहा, गाय लकड़ करना भी परेशान हो रहा, गोड़ बगड़ चराना भी परेशान हो रही, बहुत दिक्कत हो रही। अरे नहीं तो लोगो पकड़ लियो था ये ले जा लो जनी ले जाने तो मुली ना, तो हम तो भैया जख्म देख लो मरना सी, हम तो बंद हो मन नहीं आई ना बोले परवाह ना करे कि किला मरिया केला केला कारियो हत्या किला का आदिम तुम गुण लोगो गुण हो रहा आदिम हो रही जानवर बने आज जानवर बने जानवर बना रहे तुम आदिम आदि मुता बोल तुम जानवर बना रही है जानवर होता तुम आदिम बना रहा है, यानी कि जो जानवर बहुत ज्यादा महत्व देने से तुम लेकिन इंसान में कोई महत्व नहीं। तो गाइस बैंक से आ गए थे, काम हो गया था बैंक में और आज अभी देखो गैस की गाड़ी आ रही है और मैं ला रखा हूँ सिलेंडर, ये भी ऊपर पहुँचाना आज और साथ में यहाँ रखा है सिलेंडर उठाने के लिए। और ये गाड़ी जो है भवन से आई है यहाँ पे और ये हर एक महीने के जो है 22 तारीख को यहाँ पे आती है,
तो आज है 22 अप्रैल और ये रहा मेरा सिलेंडर, तो ये लेके चलना भी ऊपर। तो सिलेंडर ले लिया इनसे और यहाँ पे सिलेंडर जो है 1240 का दिया इस बार इन्होंने और पिछली बार 1200 का था, तो हर बार जो है ये 40-50 रुपए बढ़ाते जा रहे हैं। सो गाइस, छोड़ चुका है वो सिलेंडर यहाँ पे और हम देखो ऐसे अब इसने रख लिया सर पे और फिर यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। तो भाई साहब बहुत ज्यादा कठिनाई है, उसके बाद रास्ता तो देखो पहले। और कितना वजन होता है सिलेंडर का भरने के बाद? 30 किलो के आसपास। तो 30 किलो देख लो और इस चढ़ाई वाले रास्ते पे लेके जाएंगे। तो 500 मीटर ऊपर जाना है, तो अभी 500 मीटर और ऊपर जाना है। तो देख लो क्या कैसी हालतें हैं, कैसे दुर्गम स्थिति में रहते हैं हम, लेकिन फिर भी कभी ऐसा दिखाते नहीं कि हम इतने दुख में हैं, बस चलते जाते हैं। तो चलते हैं, बाकी एक बार मौसम चेक करो। अभी देख लो जरा कैसे ये बादल लगे हुए हैं ऊपर, आसमान वैसे नीला है लेकिन इस तरफ में कहीं काला है, तो शायद बारिश होगी। बारिश होगी तो आप तक क्लिप लेके आएंगे। चलो मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। तो गाइस सिलेंडर लेके आ गए थे, उसके बाद बारिश हो गई थी और अभी जो है हम निकाल लें आलू। और ये देखो बहुत सारे आलू लगाए थे लेकिन ये क्या निकल रखे बुकरियाल जैसे, तो ये थिचोड़ी लायक तो है ही, क्या करें आजकल सब्जी की वैसे ही कमी हो रही है। ये तो कह देना कहावत सच हो गया, बल बूता छी बल एक दूना भाया छी एक मौन वही बल सच हो गए। तो देखो तसल तो हम बहुत बढ़ लिया अच्छा एक, लेकिन क्या करें एक देखो ठीक है गाइज, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कैसे लगी वीडियो जरूर कमेंट करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।